द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं यूपी में, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। अभी हाल में यहां पे चर्चा का विषय बने हुए हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव से मुलाकात की है, और इसके बाद तमाम हलचल तेज़ हो गई हैं, क्योंकि AIMIM जिनके साथ इस संकल्प भागीदारी मोर्चा में जा रहे थे, उसने आपत्ति जताई है और ये भी कहा है कि अगर राजभर जी सब बीजेपी के साथ जाते हैं तो AIMIM राजभर जी के साथ नहीं रहेगा। राजभर जी, मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं और आपने चुनाव से 6 महीने पहले मुलाकात की है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से, जिसके बाद AIMIM की ओर से ये रिएक्शन आया है कि अगर आप बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो वो आपके संकल्प भागीदारी मोर्चा का हिस्सा नहीं रहेंगे। कि हमारा व्यक्तिगत वो एक औपचारिक मुलाकात हमारी बराबर होती रहती है। मैं मिनिस्टर था तो वो परिवहन मंत्री थे, तो संबंध है, संबंध के नाते हमारा उनका एक नई, पहली बारी नहीं, अब तक हमको अंदाजा कम से कम 10 बार मुलाकात हो चुकी, और प्रदेश अध्यक्ष जब से बने हैं तब से हमारी उनकी 3री मुलाकात है। अच्छा, लेकिन चर्चा में तो आपकी ये मुलाकात है, उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि चुनाव में महज 6-6.5 महीने का टाइम रह गया, और 6 महीने पहले चुनाव की कोई औपचारिक मुलाकात तो सर नहीं होती। ऐसा है ना, देखिए उसका कारण है कि जब जब हम मिले तो कोई वहाँ प्रेस का आदमी नहीं मिला। हम लोग ऐसे टाइम या तो रात को 11 बजे मिलते थे या सुबह हम लोग 6 बजे मिलते थे। उस दिन भी हम लोग सुबह 6 बजे मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन एक साथी थे जिन साथ में जाना था, जयशंकर सर, जयशंकर सिंह लेट उठे, और लेट उठने का नतीजा हुआ कि हम लोग 7 बजे गए, तो 8 बज गए। तो उसी बीच कोई चैनल वाला मिल गया तो पूछा, तो हमने तो साफ साफ कहा कि भाई ये हमारी औपचारिक मुलाकात है, हम 22 में बीजेपी को हराने के लिए कृत संकल्पित हैं। लेकिन सर, जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि बीजेपी का के खिलाफ आप बयान देते हैं, बीजेपी में क्या क्या बढ़ा, बीजेपी के राज में किस तरह से अपराध बढ़ा, किस तरह से कानून व्यवस्था पर आप लगातार फेसबुक ट्विटर पर लिखते हैं, उसके बाद जाके आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिल लेते हैं, तो सवाल तो ये उठेगा कि आप इस तरफ हैं कि उस तरफ हैं, अगर उस तरफ हैं तो हैं भी कि नहीं। देखिए, हम उस तरफ नहीं हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2022 का चुनाव बीजेपी बनाम ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा होगा, और उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके दिखाऊंगा, चाहे जितनी अटकल कोई लगा ले कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, बीजेपी समझौता हो गया, चाहे जितनी अटकल कोई लगा ले, मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी के खिलाफ भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर 22 में सरकार बनाएंगे और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। नहीं तो आप जो कह रहे हैं कि आप उनके साथ नहीं जा रहे हैं, तो क्या बात नहीं बनी है क्या? हम बात बनाने और न बनाने नहीं गए थे, हम एक शिष्टाचार मुलाकात, मैं कह रहा हूँ कि हमारी उनकी मुलाकात होती रहती है। अब उसको उस दिन जो है किसी पत्रकार साथी ने उस दिन देखा तो उसको अपना ट्वीट कर दिया, उसी को जैसे, चूंकि अब वो संगठन के एक आदमी हैं, एक बड़े जिम्मेदार पद पे हैं, तो इस नाते लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं, जबकि उनके तर्क वितर्क में कुछ है नहीं। कोई शर्त आपने रखी जो नहीं मान रहे? कुछ नहीं है। आपने क्योंकि ये बयान भी दिया, अगर OBC चेहरा बीजेपी देती है। देखिए, हम तो आज भी कह रहा हूँ, शर्त हमारी क्या, हमारी जो लड़ाई है, हम पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना कराना चाहते हैं, जातिवार जनगणना, और कोई पार्टी नहीं करा पा रही है। दूसरा, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं। तीसरा, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम चाहते हैं। घरेलू बिजली का बिल माफ कराना चाहते हैं। गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश में पिछड़ा CM चाहते हैं। ये बीजेपी कभी कर ही नहीं सकती। तो बीजेपी, आपने शायद आपने स्वतंत्र देव से बात की हो, रेडी ना हो, इसलिए अब आप ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ना ना। तो क्योंकि देखिए, यूपी में जो लड़ाई है सर, क्योंकि इससे पहले जो राजभर जी जो सत्ता में थे, समाजवादी पार्टी, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी, और आप कह रहे हैं कि मुकाबला जो होगा वो बीजेपी बनाम आपकी जो पार्टी है SBSP के बीच में होगा, यानी कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन तो सपा बसपा किस तरफ है, और आप सपा बसपा से अलायंस की कोशिशें क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, सपा हो चाहे बसपा हो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सारे लोग ये कह रहे हैं ना कि छोटे दलों के पास वोट है ना। तो हमारा मोर्चा जिंदाबाद है, सपा को जरूरत है, बसपा कांग्रेस को जरूरत है, तो वो उनके लिए हमारे यहाँ दरवाजा खुला है।
कोई दिक्कत नहीं है। यूपी की राजनीति में कन्फ्यूजन असल में इसीलिए बना हुआ है क्योंकि आप सबके लिए कह रहे हैं दरवाजा खुला है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए, आपने बोला अभी सपा बसपा के लिए दरवाजा खुला है, आप कांग्रेस के अजय लल्लू से भी मुलाकात करके आए थे, हम भी वहाँ मौजूद थे, आप उसके बाद अखिलेश यादव से ही मुलाकात करके आए थे और आपने चंद्रशेखर से भी मुलाकात की, मैं वहाँ मौजूद था, अब आपने बीजेपी से मुलाकात, स्वतंत्र देव से भी मुलाकात की है सर, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो इसी बात को लेकर है कि आप इस तरफ हैं कि उस तरफ हैं, और अगर आप जो बात कह रहे हैं ओबीसी सीएम वाली, तो बीजेपी इसका, इस पर रिएक्शन क्या है, आपने बात कही स्वतंत्र देव से? नहीं, हम उनके सामने ये सब चीज़ें नहीं रखा, हमने हमारी जो अपनी सोच है, जो हमारी लड़ाई लड़ते हैं, हमने सत्ता को इसी आधार पर छोड़ दिया। 2017 में बीजेपी ने कहा ना कि केशव मौर्य सीएम होंगे, नहीं बनाया। असामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा, नहीं किया। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा नहीं किया, घरेलू बिजली का बिल नहीं माफ किया, गरीबों का इलाज फ्री की बात नहीं किया, तो फिर हम इनके साथ क्यों रहेंगे? हमने छोड़ दिया। आप मिल रहे हैं ना? ना, तो मिल, देखिए मिलना एक शिष्टाचार है। अभी योगी जी और मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी मिले, अब उसको आप क्या कहेंगे? वो मुलाकात इसलिए थी, मुलायम सिंह जी की तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ मिलने गए थे। तो हमारा उनका व्यक्तिगत संबंध है, इस नाते मिलने जाते हैं, और कोई बात नहीं है। और अगर बीजेपी ये शर्त मान जाती है कल? सवाल है नहीं है ना, 2022 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हमने इस्तीफा दे के निकले हैं, अब बेदखल करके दिखाऊंगा। लेकिन आपकी इस मुलाकात के बाद जो आपके पार्टनर हैं, अलायंस पार्टनर हैं, वो तो बहुत नाराज़ हैं। AIIMIM तो खुल के कह रहा है अगर आप जाते हैं तो आप इतना स्टैंड क्लियर करिए वरना हम आपके साथ से हट रहे हैं। भाई जब जाएंगे तब ना, अभी तो घोषणा हुई नहीं कि नहीं हम भाजपा के साथ समझौता कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं नहीं है। लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं, वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, जो सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं हमारे साथ आएं, नहीं करना चाहते हूँ जहाँ मर्जी हो तहाँ जाएं। वो तो कह रहे हैं कि 100 सीटों पे AIIMIM लड़ेगी चुनाव, तो लड़े तो 403 सीट है, 100 कहाँ लड़ेंगे? आप उनको अपने साथ लड़के रख के लड़ाएंगे? 403 सीट की बात करें, मोर्चा में हैं अगर, तो 100 सीट की बात क्यों करते हैं? 403 की बात करें, कहाँ सीट की बंटवारे की बैठक हो गई? एक तरफ आप कहते हो कि संयोजक ओम प्रकाश राजभर हम इनके नेतृत्व में रहेंगे, 100 सीट की घोषणा क्यों कर देते हो भाई? आप कैसे कर देते हो? कहाँ पंचायत हो गई, कहाँ बैठक हो गई मोर्चे की? आगे आगे तो आप भाग रहे हो, दोष ओम प्रकाश को दे रहे हो? ऐसा नहीं, ये कहना चाहिए कि हम 100 सीट की तैयारी कर रहे हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा में हम लोग बैठेंगे, जो तय होगा, जो सीट मिलेगी हम लड़ेंगे। आखिरी में दो सवाल है ओम प्रकाश राजभर जी, क्योंकि यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है और आपकी मुलाकात अखिलेश यादव से भी हुई थी, सब जानते हैं बात को, तो क्यों अखिलेश यादव के साथ बात नहीं बन पाई? क्योंकि वो भी पिछड़ों पर फोकस, मुलायम सिंह यादव जी का भी रहा है, और तमाम इसी वजह से कल्याण सिंह को रोका भी 90 के दौर में, लेकिन अब क्यों आपको लग रहा है क्यों आपकी अखिलेश यादव से बात नहीं बन पाई? देखिए अखिलेश यादव से हमारी मुलाकात 2 साल हो गई, हमारी उनसे मुलाकात नहीं होती है ना बात होती है, हमारा मोबाइल टेस्ट करा लीजिए कि बात हम करते हों, और कोई दिखा दे फोटो कि हम उनसे मिले हैं, कोई भी नेता किसी से मिलता जैसे हम मिले स्वतंत्र देव से, फोटो आ गई ना कहीं ना कहीं से, कोई दिखा दे। 2 साल से हमारी उनकी मुलाकात नहीं है, हम अपने मोर्चे को ताकत देने के लिए एक गोल मजबूत बना रहे हैं, उसमें हम मिलते हैं संजय सिंह से, फोटो सामने आ जाती है, वो अपने ट्विटर हैंडल से भी खुद करते हैं। उन्होंने बयान दिया है चैनल को? नहीं, बयान दिया है चैनल को, हाँ। 4 बार मिले हैं, हाँ। उनके ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, आप 19 मई का देख लीजिए। उन्होंने भी कहा कि अगर आप बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो वो कुछ भी सोचेंगे। भाई हम क्या कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम, हमारा प्रयास मतलब मिलने की बात, आपने भी कहा हम चंद्रशेखर रावण से भी मिलते हैं, हम शिवपाल जी से भी मिलते हैं, हमारा प्रयास है कि जो बीजेपी को हराने वाले लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर चुनाव लड़ा जाए, हमारा प्रयास ये है। उसमें समाजवादी पार्टी अगर बीजेपी को हराना चाहती है या बसपा हराना चाहती है तो उसमें से जो भी आना चाहे उनका स्वागत है। तो आप बीजेपी के प्रति तो आप ये 5 शर्त रख रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा के प्रति क्या शर्त रहेगी अगर वो आपके साथ अलायंस में जाएं? हमारी पहली शर्त है तो बीजेपी के साथ समझौता ना होने की शर्त है ना, इनके साथ हमारी शर्त है, पहली शर्त है जो बीजेपी को हटाना चाहे, सत्ता से बेदखल करना चाहे वो मेरे साथ, जो प्रदेश में भाईचारा आमंचन करना चाहे वो हमारे साथ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वो हमारे साथ, जो प्रदेश में जातिवार जनगणना कराना चाहता हो,
घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहता हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहता हो, गरीबों का इलाज फ्री में चाहता हो, ये व्यवस्था जो लोग लागू करना चाहते हैं वो हमारे साथ आवे, उनका स्वागत है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर कहीं बात नहीं बनती है ना बीजेपी में ना समाजवादी पार्टी में, तो आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या आपके मुख्य इश्यूज होंगे? 403 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग मतलब कितने लोग? भागीदारी संकल्प मोर्चा, जो हमारे 10 दल के लोग हैं, हम 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। AIM, IIM और सब लोग सब लोग मिलके अभी और लोगों को ले लेंगे ना, अभी बहुत लोग लाइन में हैं साथ में आने के लिए। हमने रोक रखा है कि अभी थोड़ा वेट करो, थोड़ा आप अपना संगठन दुरुस्त करो, ताकि हम साथ में आओ तो लोग ये ना कहें हमारे मोर्चे के लोग कि इनके संगठन नहीं है पार्टी के। बहुत से लोग हैं तो ऐसे लोगों को साथ लेके 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और प्रदेश की, फिर मैं कह रहा हूँ, प्रदेश का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में बगैर भागीदारी संकल्प मोर्चा के सरकार बनाना बड़ा कठिन है किसी को। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ कहना था कि उनकी मुलाकात हुई स्वतंत्र देव से, वो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन उनका जो शर्त वो उन्होंने रखी है बीजेपी के सामने वो शायद बीजेपी नहीं मानेगी, इसलिए वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वहीं विपक्ष पर भी उन्होंने ये बात कही है कि जैसे AIM ने बात कही कि अगर प्रकाश राजभर चले जाते हैं तो साथ छोड़ देंगे, तो उन्होंने साफ बोला है कि जल्दबाजी तो इस समय AIM को है, लेकिन आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका राजभर जी की पार्टी की होगी, ऐसा इनका दावा है। अब ये दावे कितने रंग लाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।